नमस्कार। खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को विपक्ष के नेता युवाओं से सरकार का धोखा बता रहे हैं। कई दिन से युवाओं का धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं विपक्ष ने सेना भर्ती के अग्निपथ को मोदी विरोध का अग्निपथ बना दिया और अब तो भाषा की मर्यादा भी नेता भूल गए हैं। भारत बंद नाकाम, निशाने पर प्रधान, शब्दों की मर्यादा भूले सुबोध कांत, हिटलर से की मोदी की तुलना, पीएम मोदी पर ये कैसा बयान, मोदी विरोध का अग्निपथ। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। बयान देने वाले हैं झारखंड कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय। अग्निपथ योजना का विरोध अब मोदी विरोध में तब्दील होता दिख रहा है। दिल्ली में कांग्रेस ने योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर डाली। पहले आप पूरा बयान सुनिए। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। कांग्रेस के सत्याग्रह के दौरान दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर डाली। हालांकि बाद में विवादित बयान पर सुबोध कांत ने सफाई भी दी और कहा कि ये बयान नहीं एक मुहावरा है, कहावत है। कांग्रेस कही भी है कि तानाशाही अब देश में आ चुकी है। आपने अपने भाषण में आज कहा भी जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, कहीं ना कहीं बयान को जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री वाले। पूछ ले मोदी से कि उन्होंने भी ये ऐसा नारा लगाया है कि नहीं लगाया है, पूछ लें उनसे। सुबोध कांत अब भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा भूले सुबोध कांत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने उनकी मानसिकता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई, तो कांग्रेस को मेरा ही सलाह होगा, अभी भी आप भारत में रहते हैं तो भारत का जो मान सम्मान जो आज बढ़ रहा, तो आप इस तरह के बयान देकर भारत को बदनाम करने का काम ना करें। हमेशा जब जब भारत अच्छे काम करते हैं तब तब कांग्रेस, इटली कांग्रेस के नेताओं को पेट दर्द होता है। रघुवर दास ने कांग्रेस की नीति पर सवाल किए, तो वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तो यहाँ तक कह डाला कि भगवान कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि दें। भगवान कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में, और इस प्रकार की भाषा जितने बार हमारे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब जब उपयोग होता है तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं, और लोकप्रिय होते हैं। देखिए सुबोध जी कांग्रेस के नेता हैं, देश के स्वतंत्र प्रभार वाले गृह राज्य मंत्री रहे हैं, कैबिनेट के भी मंत्री रहे हैं, तो उनकी बात का जिम्मेवारी उनको खुद लेना है। उस पर मैं अपना विशेष कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं, क्योंकि जिस कार्यक्रम में बोले हैं वो कार्यक्रम भी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के विवादित बयान ने झारखंड की राजनीति में खलबली मचा दी है। सुबोध कांत ने शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की, लेकिन सवाल उठता है कि विरोध की एक कैसी भाषा है। दिल्ली से नेहा और आशीष तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना में अग्निपथ के